अनीता के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेसन की गट्टे की सब्जी बनाकर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड, इसमें देखिए बेसन है, हल्दी है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च पाउडर और नमक। मैं इसको सानूंगी। देखिए फ्रेंड, मैं इसको सान चुकी हूँ। अब मैं इसे उबालूंगी। ठंडी सा चपाती चीनी हल्का ना, चीनी हल्का नहीं डाला। देखिए फ्रेंड, अब मैं दिखाती हूँ। सोचिए कैसे करेंगे। देखिए पक चुकी है। अब मैं इसे निकाल कर काट कर तल कर दिखा रही हूँ आपको। आइए फ्रेंड, अब मैं देखिए कढ़ाई गरम कर चुकी हूँ। इसमें मैं तेल डालूंगी। जब तक ये तेल गरम होती है मैं इस गट्टे को तलूंगी। देखिए फ्रेंड, तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें गट्टे डालूंगी। इसको ब्राउन होने तक तलूंगी मैं। देखिए फ्रेंड, हल्का ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा और मैं इसे ब्राउन करूंगी। बहुत ज़्यादा भी इसको डार्क लाल नहीं करना है और ना ही कच्चा इसको रखना है, हल्का ब्राउन होना चाहिए। देखिए फ्रेंड, देखिए ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी। देखिए फ्रेंड, ये तल चुका है। मैं इसे ही निकाल ले रही हूँ। देखिए फ्रेंड, ये तल चुकी है। अब मैं इसको तड़का लगाऊंगी। ये तेजपत्ता, हींग, प्याज है, ये टमाटर प्यूरी है। दो टमाटर को मैंने पीस कर पेस्ट बनाया है। ये हल्दी, सॉरी हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, गोलमरीच, जीरा, इन चारों को पीस पर मैंने पेस्ट बना लिया है। देगी मिर्च, हल्दी पाउडर, एवरेस्ट मीट मसाला, धनिया पाउडर,
जब तक ब्राउन हो जाती है तब तक मैं इसे भूनूंगी। देखिए फ्रेंड, ये प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भूनूंगी। एक दो मिनट में मुझे इसको भूनना है। ये भून जाएगी तो मैं टमाटो प्यूरी डालूंगी। देखिए फ्रेंड, दो मिनट फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालूंगी। मसाला है सब डाल दूंगा। इसको मैं 5 मिनट तक भूनूंगी, जब तक ये तेल ना छोड़ दे। खराब कर गप गप चालू हुआ। हाँ चालू है। मम्मी जल्दी खाना बनाएगी। देखिए फ्रेंड्स, आधा पक चुकी है। एक दो मिनट में और इसे भूनूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से भून चुकी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। जो पानी में मैं उबाली थी वही पानी में फेंकी नहीं हूँ, इसी में डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार वे गट्टे को मुझे डाल देना है। अब इसमें 10 से 15 मिनट तक मैं इसे उबलने तक पकाऊंगी। आइए फ्रेंड, देखते हैं कितना पका। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अच्छा कलर आया है। खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अपने घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अगर सूखा बनाना हो तो कम पानी डालिएगा। और अभी मैं इसे और पकाऊंगी। थोड़ा इसमें पानी ज़्यादा ही डालना चाहिए, क्योंकि पानी जब ठंडा होता है तो इसमें बेसन में सूखता है। देखिए फ्रेंड, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना पका है। ये देखिए पक चुका है। इसे आप चावल के साथ भी खा सकती हैं, रोटी के साथ भी खा सकती हैं। आइए मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, ये बनकर तैयार हो चुकी है बेसन गट्टे की सब्ज़ी। अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए।